सोलन में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रमेश चौहान की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रदेश के किसानों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया और कहा कि भाजपा केवल इन्वेस्टर मीट करवाना जानती है, लेकिन हिमाचल के किसानों और बागवानों को क्या चाहिए इस बारे में आज तक नहीं सोचा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगने चाहिए थे ताकि प्रदेश की आर्थिक को बढ़ावा मिलता, किसान और बागवान समृद्ध होते, लेकिन इस तरह के इन्वेस्टर को आमंत्रित ही नहीं किया गया। भाजपा सरकार ने 20 लाख करोड़ की पैकेज से केवल लोन मेला लगाकर किसानों को डुबाने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रधानमंत्री जहां एक ओर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री हिमाचल के सेब का रस कोका कोला में मिलाने की बात कर केवल सब्जवाद दिखाकर ही यहां से चले गए। भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रमेश चौहान ने कहा कि भाजपा केवल प्रोपेगेंडा करना जानती है, लेकिन धरातल पर काम नहीं करती है, जिसकी वजह से हिमाचल का किसान बेहद परेशान है। आज सेब मंडी में आने के लिए एक महीने के बाद तैयार है, नेपाली लेबर नहीं है। क्या हिमाचल प्रदेश सरकार भारत सरकार से बात उठा करके नेपाली लेबर को लाने की बात करेगी? क्योंकि सेब का एक भी दाना मार्केट में तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक जो है वो नेपाल का जो लेबर है वो सेब के जो बगीचे उस तक नहीं पहुंचता। आपने देखा होगा कि हम आरतियों की बात करते हैं, हम लदानियों की बात करते हैं, लदानी आने के लिए तैयार नहीं है। लदानी आने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि वो दो चीज़ों से डरा हुआ है, एक तो कोरोना महामारी जो पूरे वैश्विक बीमारी है, उसके साथ साथ ही जो सांप्रदायिक भावनाएं जो भड़काई हुई है उसको, उसके डर के मारे वो आना नहीं चाहता है। जबकि सारा फ्रूट का जो व्यापार है वो सब जो है वो मुसलमान भाइयों के हाथ में है। इसके अलावा आपने अभी देखा होगा कि टमाटर आज सोलन की मंडी में 100 से 150 रुपये किलो के क्रेट के हिसाब से बिक रहा है, यानी कि 5 रुपये किलो बिक रहा है। लहसुन जो पिछले साल 150 से 180 रुपये किलो को बिक रहा था इस समय, वो आज 50 से 60 रुपये किलो बिक रहा है। यही हाल जो है वो अदरक का होने वाला है। मेरा सरकार से, कांग्रेस पार्टी का एक किसान एक बागवान होने के नाते, आज राजनीति से हट के मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो ये कि सरकार को वक्त रहते इन चीज़ों के बारे में सोच लेना चाहिए। जहाँ लदानियों को लाने की बात है उस पर पहल कर देनी शुरू है। साथ साथ में एक दूसरी जो एक स्कीम है वो भी तैयार कर लेनी चाहिए कि अगर लदानी आज सब्जी मंडी में मार्केट में सेब खरीदने के लिए नहीं आता है, क्या नाम लहसुन खरीदने के लिए नहीं आता है, टमाटर खरीदने के लिए नहीं आता है, तो उसके लिए समर्थन मूल्य जो है वो सरकार को आज जो है वो घोषित कर देना चाहिए। सेब का जो हमारा ए ग्रेड सेब है, कम से कम उसका रेट जो है वो 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाना चाहिए। लहसुन के बारे में भी सरकार को चाहिए कि उसका भी समर्थन मूल्य खरीदे, या मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सेब लहसुन अदरक टमाटर के माध्यम से वो सेब खरीद ये इन पैदावार को खरीदे और मार्केट में टाई अप करे, जो मार्केट में प्लेयर है उनके साथ इसको जो है वो टाई अप करे और उनको जो है सप्लाई सरकार दे। अगर वो इसके साथ साथ सरकार से मेरा अनुरोध ये है कि आज मौका है, इस समय को भुनाएं कोरोना महामारी में। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज इसमें काम कर रही है, बायो प्रोडक्ट बनाती है जो हमारे प्रोडक्ट हैं, सरकार को चाहिए कि वक्त रहते आज जो मार्केट में ऑलरेडी मार्केट में प्लेयर है पहले उनके साथ टाई अप करे, उनको जो है वो लाए, उनको जो है यहां से खरीद करके उनको माल सप्लाई करे, हमारी पैदावार सप्लाई करे और साथ साथ इस महामारी का फायदा उठा करके इन एग्रो के ऊपर बेस जो इंडस्ट्रीज है उसको जो हिमाचल प्रदेश में सेटअप करे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है कि वो भारत सरकार से बात उठाए और नेपाली लेबर को लेकर के आए, ताकि हमारा जो सेब है जो सबसे बड़ी 4500 से लेकर के 6000 करोड़ रुपए की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है भारत हिमाचल प्रदेश की, उसको जो है वो बट्टा न लगे।